चिंता की कोई बात नहीं, ये जो सायरन है ये चार्ली ने बजाया है कि उसके बेस्ट फ्रेंड संजू से किसी ने उसको अलग कर दिया है। आ जा क्या हो गया चार्ली और संजू में एक दूसरे की जान बसती है। चार्ली को दो मिनट संजू दिखने को नहीं मिला तो इसने पूरा फार्म रोरो के सर पे उठा लिया। इंट्रोड्यूसिंग चार्ली और संजू, जो एक दूसरे के बिना रहने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। हम इनकी दोस्ती के बारे में आपको और भी बताएंगे, पर पहले हम दिनेश भैया से पूछते हैं कि इनके दिन की शुरुआत कैसे होती है। इनकी दिन की शुरुआत ऐसा है, रोज सुबह मैं संजू और चार्ली को यहाँ पे बैक एरिया में लेके आता हूँ। आज गलती से मैं चार्ली को इधर ले आया, तो अभी मैं चार्ली को यहाँ से लार्ज एनिमल एरिया में लेके जा रहा हूँ। आजा चार्ली। बारिश होने लगी है इसलिए चार्ली को दिनेश भैया वापस एनिमल एरिया लेके जा रहे हैं, जहाँ संजू बाबा इसका वेट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम चार्ली के साथ संजू तक पहुँचे, मैं आपको जल्दी से इसकी कहानी बता देती हूँ। चार्ली जब यहाँ आया था, उसके पैर में बहुत बड़ा एक मैगेट वुंड था। इस वजह से वो अपने पैर पर बिल्कुल भी भार नहीं ले पाता था। वो बहुत दर्द में तो था ही, लेकिन उसके दर्द की वजह सिर्फ वो मैगेट वुंड नहीं था। अक्सर घोड़ों और खच्चरों को डंडे मार मार कर जबरदस्ती उनसे इतना बोझ उठवाया जाता है जितना उनका शरीर उठा भी नहीं पाता। उनकी अगली और पिछली टांगें भी एक दूसरे से बांध दी जाती हैं ताकि वो कहीं भाग ना सके। चार्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उसका वुंड तो ठीक हो गया, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो सबसे दूर रहता था। फिर उसे संजू मिला और उसके साथ ये खुश है। तो बस अब हम एनिमल एरिया पहुंच चुके हैं और ये फाइनली संजू बाबा से मिलने वाला है। फाइनली इनका हो रहा है भरत मिलाप। टेंशन आए हैं चार्ली का फोटो शूट करने। वैसे दोनों जिगरी दोस्त होने के साथ साथ स्टाइल मारने में भी सबसे आगे। संजू बाबा का एटीट्यूड अलग ही लेवल का है। संजू बाबा को कभी कभी लोग क्रीपी भी समझ लेते हैं। बेनू, ये तुम्हें क्रीपी नहीं लग रहा है? कैसे देख रहा है, बदतमीज कहीं का। ये क्लिनिक में घुस जाता है और सारे पेपर खा जाता है। ये बहुत बदमाश बंदा है। पेपर के ये तो पैसे भी खा जाता है। पैसे क्या, ये तो कुत्तों के खाने के पतीले में मुंह मारता है, इसकी क्या बात करनी भैया। संजू की हरकतें तो आपने सुनी ली, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये यहाँ पे आया कैसे? संजू एक खास तरह का बकरा है। इस तरह के बकरों को ना खाया जाता है ना इनकी बलि चढ़ाई जाती है, इन्हें जिंदा भगवान को मंदिर में सौंप दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, भगवान तो डिलीवरी लेने आते नहीं, तो थोड़ी देर में बोर होकर ये लोग बाहर निकल जाते हैं। जब संजू बाहर निकला तो इसकी गाड़ी से टक्कर हो गई, इसका सींग टूट गया, उसमें मैगट्स पड़ गए। जब हम इसको यहाँ लेके आए, इसका इलाज चल रहा था, इसकी चार्ली से दोस्ती हो गई। अब आप देखिए, हम दोस्तों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जानवर भी दोस्त बनाना चाहते हैं, पर अधिकांश जानवरों को पूरी जिंदगी में एक दोस्त बनाने का मौका नहीं मिलता। दोस्त तो छोड़िए, इनके तो बच्चे भी इनसे ले लिए जाते हैं। शायद इसी सब के चलते भगवान ने कहा कि भाई देख, तेरा इतना मुश्किल जीवन है, मैं भी तेरे को नहीं मिला, पर मैं तेरे को एक दोस्त जरूर भेज रहा हूँ। अब इनका डिनर का टाइम हो गया, मैं इनको अलग अलग खाना इसलिए देता हूँ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का खाना खा जाते हैं। चार्ली आ जा। Thank you.
संजू को तो चार्ली जैसा दोस्त मिल गया, पर आपके घर के पास ऐसे बहुत से जानवर होंगे जिनके पास कोई दोस्त नहीं है और आप उनके दोस्त बन सकते हैं। क्योंकि दोस्त बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं। ये हर जगह नहीं जुड़ता यार। Bye.